अज अं मिलन जा रहे हैं एक हस्ती में। अच्छा चल मैं ब्लॉगिंग कर रहा। अच्छा चैनल मेरा छोटा जी है। अच्छा तो मेरा कजन बैठा ही उन्हें देखा तुम्हें। अच्छा तो उन्हें मैंने दसा मैं थोड़ा इंटरव्यू लास्ट जरा देखा वो अनमोल भाजी ने देखा घैन सी और बस मिलन आ गया। तुम सिडनी जाना ना? हाँ जी हेलीफैक्स। नहीं हाँ मतलब शो थोड़ा सिडनी है ना? नहीं सिडनी। ओ यार अपन तो पता ही नहीं। मैं ये तो देखा ही कि सिडनी है। वैसे तो आप पंजाब तो फिरोजपुर। हाँ जी अं उ चले अपनी फ्लाइट शायद सेम ही होगी। चलो शामी आओगे? हाँ टिकट मिली तो बिके बिके मतलब सात जने गए जने चले भाजी मैं नंबर दे दो मेरा लै लो पहुंच के मैं मैं ही दे दो बाद चो पता नहीं कितों मिलना। 2 hours later. लो भी मित्रों अज आप चले शो देख जेडे बाजी आप लास्ट वीडियो च मिले सी इन्हों का ही वीडियो देखने जा रहे हैं हम। इस लोकेशन पे जाना है हमने। गप्पू भैया नु चक लिया सी। मैं गप्पू भैया चलो हुणे असीं आए ही जिद्दां ही अहीं पहुंचे सामने सामने भाजी आए हाथ मिलाया कि तक भाजी ने हड ना सीटा ते बह गए आपां। मैं हूं निहारिका प्रसाद आपकी होस्ट और आप सभी का स्वागत है आज के स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल में की फर्क पैंदा है बाय परविंदर सिंह। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं आज का शो शुरू। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज प्लीज गिव मी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर परविंदर सिंह। लोग आते रहेंगे हम उनके मजे लेंगे। लाइट बंद कर दो। सो माय नेम इज परविंदर एंड मैं अमृतसर से हूँ अमृतसर पंजाब। बिफोर स्टार्टिंग माय जोक्स बिफोर स्टार्टिंग द शो एक ना बड़ी सीरियस बात है जो मुझे एड्रेस करनी है हर पंजाबी के दिमाग में आती है हम खुल के बोल नहीं पा रहे। पहले तो इमेजिन पंजाबी खुल के नहीं बोल पा रहे। योगा ग्रुप में बात करते देखे मैं सांस अंदर लो शानदार लो। सो दिस इज वेरी सीरियस एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। यू गाइस आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री यूथ ऑफ दिस कंट्री and India as well. So ये this needs to be addressed हर पंजाबी के दिमाग में आता है हम खुल के नहीं बोल पा रहे कि हनी सिंह बादशाह टोनी कक्कड़ ये तीनों माई अब दिल्ली के हैं। इन सालों का हमसे कुछ लेना देना करे बादशाह भुगते हम ये क्या बदतमीज है गंदे गंदे गाने वो गाए बादशाह के गाने पे मैं मोलेस्ट हूँ हमें एक बड़ी बॉम्बे में बंदर दूर से कहता पहुंचे लाख तेरा हिले जैसे पेंडुलम अरे पत्थर ठाकुर तेरी माँ पेंडुलम लोग कहते हैं बादशाह कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज। आई एग्री बादशाह ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आई एग्री बादशाह ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आई जस्ट विश थोड़ा सा म्यूजिक में कर देता क्योंकि बादशाह ने जिस चीज में कंट्रीब्यूट किया दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉपी कपड़े। फर्स्ट कॉपी कपड़े मतलब बैलेंसियागा अगली बार उतरोगे ना दिल्ली एयरपोर्ट बाहर निकलोगे अमृतसर एयरपोर्ट बाहर निकलोगे ऐसे ऐसे ब्रांड देखने को मिलेंगे ना
गुची बैलेंशियागा बॉर्मन पैलेस पाम एंजल्स अमीर भी पहन के तो ऑटो चला रहे हैं सारे गुची का ये हाल कर रखा है। मैं चंडीगढ़ में पांच लोग 17 सेक्टर एक दुकान पर खड़े हैं, पांचों ने गुची पहना हुआ है। जो मोमोस बेच रहा है उसने भी गुची, साइड पे दो ईंट लगा के ऊपर खड़ा स्प्रिंग रोल तल रहा है उसने भी गुची, पीछे छोटी छोटी कटोरियों में चटनी डाल रहा है उसने भी गुची, दो माइया बैठ के शाम बैठ के मोमोज खाने आए उन्होंने गुची। फन फैक्ट, पांचों के स्पेलिंग अलग है। गंदी लगी जूते इतना शो ऑफ करा सालों ने, अगले दिन पूरा पंजाब बैलेंसियागा बैलेंसियागा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग नकली बैलेंसियागा छाप रहे हैं, प्रॉब्लम ये है वो चीज तो छापो जो बैलेंसियागा बनाता है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बैलेंसियागा के कच्चे छाप दिए और ऊपर से इनका एटीट्यूड गलत है। क्या अपने सकते बैलेंसियागा 2 लाख का होता होवे मार टूटते पाया यहाँ सीटी मार जितना भी कल्चर है ना, देखो हिप हॉप कल्चर कह लो पॉप कल्चर कह लो, ये है कहीं ना कहीं मतलब ग्रेव इन पंजाब। हम म्यूजिक के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हमारे सारे एक्टर भी म्यूजिक के साथ, सारे म्यूजिशियंस ही हैं, सिंगर्स ही हैं। यानी जितना भी हिप हॉप कल्चर पॉप कल्चर है ना, ये दिल्ली से ड्रिप डाउन कर करके ना, पंजाब से ड्रिप डाउन कर करके दिल्ली तक पहुंच गए ये वायरस। दिल्ली पहले तो दिल्ली इज नॉट दिल्ली, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिल्ली। दिल्ली इज एन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन में पहली सिटी आती गुड़गांव। आप लोग तो मोस्टली सारे एयरपोर्ट तो गए हुए दिल्ली। पहली सिटी आती खांदी हुई, पहली सिटी आती गुड़गांव। गुड़गांव इज अ मिलेनियम सिटी, सो मिलेनियम सिटी कहते हैं। पर उन्हें किसने बताया कि कचरों सीवरेज भी निकलवाना है। हर जगह बोर्ड लगे हुए, ऊबर लाइफ स्टाइल जस्ट 5 मिनट्स अवे। मैं कहा एतवार तक पहुंचना कैसे है, सड़कें तो है कोई नहीं। एक दिन बारिश होती, गोल्फ कोर्स रोड का ऋषिकेश बन जाता है। उसमें जाट भाई हमारे इतने प्यारे आपदा में अफसर, उसी अंडरपास में अपनी फॉर्च्यूनर फसाई होती है, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं सोनू। बट गुड़गांव इज फेमस फॉर वन मोर रीजन, दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वंस डेडिकेटेड अ पोएम फॉर गुड़गांव, दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। किसी को पता था गुड़गांव के बारे में? और वो लाइट ठेके की है। हर अंडरपास से बाहर निकलो ठेका, हर अंडरपास से बाहर निकलो ठेका। मैंने गुड़गांव में ठेका देखा, उस पर बोर्ड लगा हुआ था यहाँ भयंकर ठंडी बीयर मिलती है। भयंकर ठंडी, भयंकर ठंडी बीयर कौन सी होती? कहता भाई सब पियोगे बीयर मुंह तो गैस क्यों। मैं आइस क्यूब लेने रुका था, मैंने ये रख ले भाई। देना चाहिए तेरे को वॉलंटियर चाहिए। दूसरी सिटी नोएडा, नोएडा इतना अनसेफ है, आज किसी को बोल दो नोएडा जा रहा हूँ अगला बंदा फोन पर रहा है नोएडा मत जाना, चाकू लग जाता है। बैठे पीछे हवा आती हवा जिसमें से विंडो में से, हाँ वहाँ हवा नहीं आती वहाँ चाकू ही आता सीधा। मैं जब पहली बार नोएडा जाना था, मेरे 7 दोस्त थे बॉम्बे में, मैंने फोन बताया, मैं ऐसे ड्राई दिया भाई नोएडा मत जाना चाकू लग जाते हैं, इट्स वेरी अनसेफ, नो नो। I took it as an offense, मैं कैसे कैसे यार? मैं उनको गलत प्रूव करने के लिए 7 दिन लगातार नोएडा गया, सिर्फ एक बार चाकू लगा। इतने पोलाइट होंगे नोएडा के, चाकू लगा मैं तो भाई साहब पैसे नहीं है, कहता चल मेट्रो तक छोड़ दे। उनको मैंने लिफ्ट दी, वो किसी को लूटने जाने लगे, मैंने मना किया, मैं भाई साहब उस बेचारे को मत लूटो यार। कहता क्यों? पंजाबी है इसलिए। ओ मैं का गुची के स्पेलिंग गलत है, गुची 70 रुपए होने इसकी जेब में। तीसरी सिटी गाजियाबाद, गाजियाबाद घर का वो बच्चा जो सबसे एंड में अमीर हुआ है। देखो सबसे पहले अमीर हुआ था पंजाब, मेरी हार्श रियलिटी। हम लोग जितने भी अमीर हुए हैं पंजाब हरियाणा यूपी में, सब लैंग्वेज के हुए हैं। जमीन बिकती है, हाईवे आते हैं तभी लैंड बिकती है। जब हमारे पास पैसे आए थे पंजाब में, हम बावड़े हो गए थे, हमें समझ नहीं आया था करना क्या है। वी वेंट क्रेजी,
मतलब हर फुद्दू हरकत करी है हमने, जहां जहां पैसा जला सकता हमने जलाया, इस लेवल तक चलाया कि 2005 में जो गाड़ी दिखती थी ना सड़कों पे उसमें चौड़े टायर थे। ये तो है, बाहर आए होते थे बोलेरो चौड़े टायर, स्कॉर्पियो चौड़े टायर, मारुति 800 चौड़े टायर, बताता व्हील चेयर थे चौड़े टायर, उनका दादा ब्रांड में व्हीलिया मारता था, मल्ली कुड़िया सरकार पे जीएम बिचेस। वो हाल हुआ गाजियाबाद का, इन्हें समझ नहीं आ रहा पैसे का करना क्या है, इतना पैसा आ गया, 3 एक्सप्रेसवे एक साथ निकले गाजियाबाद से, बहुत बदनाम था गाजियाबाद, अब एकदम से उनके पास पैसा आ गया, समझ नहीं आया करना क्या, रिकॉर्ड नंबर ऑफ बेंटलीज वर सोल्ड इन 1 ईयर इन गाजियाबाद, क्या हुआ है? उसके 3 महीने बाद ना अखबार में खबर आई है दैट रिकॉर्ड नंबर ऑफ बेंटलीज आर कन्वर्टेड टू सीएनजी इन गाजियाबाद। वो तो खरीदने के बाद समझ में आता ना पौने 2 की एवरेज देती है ये। अब सीएनजी पंप पे खड़ी होती है, मिनट से पहले पता चल जाता है गुजरों की है, क्योंकि इसमें स्टिकर लगे हुए आगे लिखा हुआ गुजर आ रहा है, लगे गुजर जा रहा है, सालों छत पे लिखवाओ गुजर सीएनजी भी बर्बाद। पर दिल्ली में ना हिप हॉप कल्चर पॉप कल्चर जहां सबसे ज्यादा घसा जाता है वो है वेस्ट दिल्ली, जनकपुरी, रजौरी गार्डन, मोती नगर, मोती बाग, करोल बाग, ये पूरा का पूरी जो बेल्ट है। पहले मैं इनकी थोड़ी सी रेफरेंस बता दो, देखो दुनिया में एक बड़ा वायरल ट्रेंड शुरू हुआ था दिल्ली में, लड़के ना बुलेट पे स्टंट मारते थे, पंजाब के लड़के थे वो, जब नए नए दिल्ली मूव हुए ना वो अपने सौतेले बच्चे साथ लाते हम अपने बुलेट, तो बुलेट लेके हम पहुंच गए, हम नोटिस नहीं हुए, हमने बुलेट पर पटाखे मारने शुरू कर दिए, इंडिया गेट पे जाके दे स्टंट पे स्टंट बाइक के घुमाने ही दिल्ली के लड़के हो गए जेलिस, इन्होंने हमें कॉपी कर दिया, पर बुलेट अफोर्ड नहीं हुए तो इन्होंने ले लिया बाइक एक्चुअली। एक साइड पे पंजाब के लड़के बुलेट पे व्हीलिया मार रहे, एक साइड पे ये वाइट एक्ट्रिक बुलेट के पटाखे मारने में ना फील आती है, इंजन ऑन किया ऑफ किया ऑन किया ठा करके आवाज आती है, हाँ ये दिल्ली के लड़कों ने इंडिया गेट पे वाइट एक्टिव पटाखे मारे हैं, इंजन ऑन ऑफ, इधर बुलेट का पटाखा ठा, इधर इसका पटाखा टी, ये बदतमीजी, मतलब कॉन्डम नहीं तो थैली से ही, इतना डिफरेंस है। दिल्ली के लड़कों ने दुनिया को इनसे ज्यादा से, मतलब एक तो ना इनके अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इतनी अंदर तक घसी हुई है ना, दिल्ली के किसी लड़के को रोके पूछो क्या कहते हो पाजी एंटरप्रेन्योर, ऊपर जब से शार्क टैंक आया इन्होंने तो वर्ड ही सीखे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं करते क्या हो, कहता रेवोल्यूशन, किस चीज की, कहता फोन के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेगा ऐसा डिवाइस बना दिया मैं, अगर टेम्पर्ड ग्लास का हो करोल बाग में तेरा भूत है 12x18 का। बट दिल्ली में ना 3 ऐसे ट्रेंड शुरू हुए जो दुनिया को नहीं पता था दिल्ली से शुरू हुए, बट दो ट्रेंड्स वेंट वायरल, पहले लड़कियों के ब्राउन बाल, ब्राउन बाल, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स की उन्होंने करवाया था भी ब्राउन, पर्पल, ब्लू, रेड, वो नहीं, ये ब्राउन बिल्कुल मडोना वाले, मडोना की सालियां बन के घूम रही है, बिल्कुल ही मडोना वाले ब्राउन करवाए थे, हाँ मैं तो मडोना लोग की फन फैक्ट, लगती भी मडोना ही है पर पीछे से वो पीछे से देखो ना मडोना घूमती, अच्छा मंजीत कौर ही मेरी फ्रेंड थी, उन्हें 3-3 शेड ब्राउन करवाए थे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड, ऊपर से भगवान ने कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ उसको, बेबी कैसी लग रही है, मैं कहता बेबी गाजियाबाद की शकीरा, कहती इतने गंदे लग रहे हैं, मैं कहता इट्स नॉट अबाउट द बाल, इट्स अबाउट द बूटी, बीच में जो मंजीत कौर है इसका क्या करना है, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के, दिल्ली के लड़के, इन्होंने दुनिया को एक ऐसी फैशन स्टेटमेंट दे दी है जो चलता फिरता आंखों का कैंसर, तीखे जूते बिना जुराबों के, टाइट पैंट जो टकनों से 2 इंच ऊपर ये गिरते हैं ना, ये एंकल जो होता है एंकल से 2 इंच ऊपर यहाँ खत्म हो जाते हैं, इमेजिन यहाँ पैंट ही खत्म है, नीचे नंगी टांग है, और इतनी टाइट ट्राउजर होती है, टाइट आई एम नॉट सेइंग स्लिम फिट, स्किनी फिट,
टाइट एज इन जो पंजाबी माए देखते ही बोलते आए हाय पदकुटवी पदकुटवी जैसे नहीं समझ में आया आई कैन ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश पदकुटवी इन इंग्लिश मींस वेयर इवन फार कैन फाइंड अ वे इमेजिन अ ट्राउजर सो टाइट दैट योर फार फ्रॉम द क्लॉस्ट्रोफोबिया एक बार ये सोच के देखो गैस कैच घुट के मर रही है साइंस का बेड़ा गर्क कर दिया एलवी का बक्कल गोल गले वाली टी-शर्ट टके करी होती है टेंडे बाल गर्दन कटाए टुकड़ा होता है सेक्सी सबकी गर्दन कटाए टुकड़ा और इतनी गंदी हैंडराइटिंग में टैटू है ऐसा लगता है कॉपी के लास्ट पेज पे पेन चेक किया होगा हर लड़के की गर्दन मैं नया ना दिल्ली मूव हुआ हर लड़के की गर्दन पे टैटू मैं नहीं चल क्या रहा है अपना फास्ट टैग है तो ये तिलक नगर घुसते हैं डिडक्टेड आइडेंटिफाइड इन सालों से जब मर्जी पूछ लो क्या करते हो पाजी शाम के साथ में शराब पीते हैं मैं तो 7 सालों शाम को पूछते पूरा दिन क्या करते हो कहते वेट करते हैं सिटीजनशिप आ गई अच्छा वो टाइम उस तो बाद ओसीआई कार्ड आ गया ये क्या करते हैं चीयर्स करते हैं एक बूंद लेते हैं छिट्टा फेंक देते हैं छिट्टा मतलब ना एक ड्रॉप ऐसे बूंद ले मैं मेरे कजन ने जब पहली बार किया मेरे सामने मैं कहीं गई है कहता धरती माता संभाल लेगी मेरे क्लास से भी कर दिया मैं कहा कि मेरी क्लास से क्यों किया है तेरे को भी संभाल लेगी मैं तो एक बार धरती माता को पता कि तुम 2-2.5 लाख जनकपुरी के लड़के मिलके एक एक बोल धरती माता फेंक रहे हो तुमने कभी रियलाइज किया धरती माता की 35 बोतलें हो जाती उधर अमेरिका में साइंटिस्ट से समझ नहीं आ रहा होकर अब किताब में लिख जा रहा अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन उसे पहले दिल्ली ले गया तब से समझ में आया थ्योरी ये है कि धरती माता मैनवर्ड धरती माता सर को बोला वो तो तेरी गालियों क्या कर दिया कुत्ते के बच्चे हो गए और टकीला भी आएगी बीच में प्लूटो बेटे नींबू दे यू थिंक प्लूटो लेफ्ट ऑफ सोलर सिस्टम वो अच्छा खासा देख रहा था अरे धरती माता ये हो रहा मैं कह रहा मतलब अर्थ पे थोड़ी आता धरती माता उल्टिया कर रहे हैं ये ट्रेंड आपको पता है दिल्ली से शुरू हुआ है बाद में पंजाब आया ये देख देख के ना अच्छा ये कुछ तो होगा पंजाब ने अपने वर्षे निकाले ये बाबे को भेंट कौन से बाबे हैं जनाब जी ने बाबा टोन साई तो तीसरी चीज अनइमेजिनेबल मतलब इन आर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी हम ये चीज सोच नहीं सकते जो दिल्ली के लड़के कर रहे हैं इन्होंने बनाए हैं नवरात्रा स्पेशल मोमोज पहले तो दिल्ली में जितने भी लोग मोमोज बेच रहे हैं वो सारे पंजाबी हैं वो एक आंटी है डोलमा आंटी वो भी पंजाबी बोलना शुरू हो गई है सारे ही पंजाबी हैं उधर बेचारे नॉर्थ ईस्ट शिलोंग के लड़के देख रहे हैं यार सारे पंजाबियों ने हमारा बिजनेस छाप लिया अब वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वो छबीले लगा रहे हैं तुम्हारी नवरात्रा स्पेशल मोमोज दिल्ली में सिर्फ एक जगह मिलते हैं नवरात्रा स्पेशल मोमोज पैसे तो अपने आप में स्कैम है गुट्टू का आटा बेल दिया ये वो कर दिया ठीक है स्कैम लोगों के उसके साथ इमोशन के साथ खेल लिया बट जब मैंने पहली बार सुना था ना कि ऐसा होता है
नवरात्रा स्पेशल मोमोज बिक रहे हैं। 2017 की बात है, मुझे लगा वहां जाके चेक करना चाहिए। नवरात्रों का दूसरा दिन 2017 की बात है, मैंने वहां जाकर चेक किया। दिल्ली में सिर्फ एक जगह मिलते हैं, पैसिफिक मॉल है, सुभाष नगर में, उसके बिल्कुल बाहर मोमोज वाला खड़ा होता है, उसका नाम है सिंह मोमोज। बिकॉज नोबडी हैज़ कैन डू इट। सिंह मोमोज वाले ने वेरी इंटरेस्टिंग अपने बोर्ड के नीचे दो लाइनें लिखवाई, पहली हमारी कोई शाखा नहीं है, दूसरा हम कुछ तय नहीं है। तेरा दादा अकबर को मोमोज खिलाता था। जीने लाही गोभी वाले ट्राई करो बेटे, मेयोनीज ले आओ। पुष्ट नहीं है। उसी बोर्ड के कोने में लिखा हुआ सिंस 2015 का बड़ा छोटा खानदान है मेरे। मैं वहां गया, वहां नवरात्रों के दूसरे दिन वही मडोना सारी की सारी पागल हो रखी भैया, व्रत वाले मोमोज भैया भैया, मम्मा ने जबरदस्ती बात मांग के व्रत रखवा दिया भैया, मोमोज दे दो भैया, चटनी एक बता दो। मैं मोमोज नवरात्रि वाले हैं, चटनी थोड़ी। कहती तू चुप रहे यार। मैं चोर चोर ऊपर देख के थी, क्या बात हो गई, मैं तो बादल नजर आ रहे। कहती हाँ हाँ। मैं उसके बीच में जगह नजर आ रही है। कहती हाँ। मैं तो भगवान मुंह निकाल के तुझे ही कह रहा, तुम खड़े चूतिए हो। मानना मान नहीं मानना मत मान, तूने पागल बना रखा है। पागल हुआ कुछ नहीं, पीछे बादशाह खड़ा था, उसने गाना बना दिया, लड़की पागल है पागल है। 90% पंजाबी गानों का कोई सिर पैर नहीं होता। मतलब अभी का एक गाना पकड़ेंगे, 15 साल पहले का गाना पकड़ेंगे, दोनों का हम कोरिलेशन बिठा देंगे, दोनों में सेम ही गलती है, गलती हम सिर्फ एक कर रहे हैं, हमें वीडियो नहीं बनानी आती। वीडियो बनाने बारे में कोई ना कोई माता आई होती है। लिरिक्स ठीक है, गाना ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम है। लाइक जानी ने बड़ा प्यार से सोच के लिखा, कभी इस फुल थे कभी उस फुल थे, यार मेरा तितलियां वर्गा। इस गाने का मतलब है मेरा बॉयफ्रेंड धोखेबाज, इस तितली को तितली मतलब कभी इस लड़की के पीछे जाता है, कभी उस लड़की के पीछे जाता है, सच ए कैरेक्टरलेस गाय। ये गाना है, इट्स अ सैड सॉन्ग। वीडियो बनी जितनी लड़कियां बैठी हैं, उनसे मेरा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, भगवान ना करे टच वुड लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाए, बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला है, आप क्या करोगे? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रोगे धोखे मूव ऑन कर जाओगे, थप्पड़ मारोगे मूव ऑन कर जाओगे, या फिर ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, 15 साल पहले भी हुआ ये। बब्बू मान ने गाना गाया था, मित्र अंबर सेम प्रॉब्लम, लिरिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पगड़ा क्यों पा रहा है? मैंने दिल्ली में पंजाब में हमेशा ये गाना किसी ना किसी की शादी में सुना है, और इस गाने का मतलब है तूने मुझे छोड़ के किसी MRI से शादी कर ली। पहली बार सुना था दिल्ली में पंजाबी बार क्लब की शादी, किसी की मैं गाड़ी पार कर रहा हूँ, गाना चल रहा हूँ, पूरा मूड खराब होगा, मैं क्या कर रहा है यार, अंदर घुसा मेरे को कचरा चौक लगा है, दूल्हा तो बाहर लेके खड़ा है, दूल्हा टंगे लगा के मित्र हम पीछे खास काम में रेल कटिंग लाई हुई अंबर रखते हैं। मैं डीजे वाले के पास गया, ऊपर से लड़ी अपना 500 का नोट काटा, हाथ बदला मैं, भाई गाना बदल दे, क्या बात होगी, मैं माहौल देख गाना देख, गाने का मतलब देख, कहता वो सब छोड़ ब्रो फैमिली देख, तो दूल्हा ढूंढ के लगा दिए यहाँ पे। मैं कहा उन बेचारों को गाने का मतलब नहीं पता यार, वो तो इसलिए नाची जा रहे हैं, तेरे को तो मतलब पता नहीं। कहता ऑफ कोर्स पाजी, मैं कहा तू गाना चला क्यों रहा है? कहता पाजी मेरी एक्स है। दूल्हा भी अंदर आई है। तो मैं कहा तुझे कुछ बोलना चाहिए यार, करना चाहिए तुझे कुछ। कहता हाँ ना पाजी। फिर उसने किया जो डीजे नहीं कर सकती, टेंथ स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के आसपास में
हिप हॉप कल्चर मुझे इफेक्ट करना शुरू हुआ था। एंड हम सबके बीच में एक चीज कॉमन है, 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद हम सब ने अपनी अपनी डिफरेंट पाथ चूज किया है। 10वीं तक हम सबकी लाइफ सेम रही है। मैं 10वीं तक बड़ी गलत संगत में था। मतलब आई हैव टू एडमिट ऑनेस्टली, मतलब वो होती ना बिल्कुल ही मतलब गंदी मछलियाँ टाइप्स, गंदे अंडे, मैम वो हो गए बिल्कुल ही ऐसे गर्क टॉपर टाइप सर्कल मेरा, बिल्कुल 100% अटेंडेंस, स्कूल के टॉपर, नहाते भी नहीं थे यार, पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, एक महीना पहले रिवीजन खत्म हो गई, उस सर्कल में फंस गया, मुझे पता ही नहीं था मैं गलत सर्कल में हूँ, दूसरे सर्कल में जाना था। जो लोग बिगाड़ते हैं तुम्हें, हाँ ब्रो बक मारते हैं, हाँ ब्रो टाका चलाते हैं, हाँ ब्रो कुड़िया झेड़ के आते, ये सर्कल चाहिए होता बंदे को तो पता होता ना क्या चाहिए लाइफ। मैं गलत सर्कल में था, 10वीं तक मैं गलत सर्कल में रहा, प्लस वन में गया, मेरे को चुल मची हुई है कि बिगड़ना है यार लाइफ में, 10 साल 10वीं तक के साल खराब हो गए, 17-16 साल खराब कर दिए मैंने, टीनेज के मेरी याद भी टीनेज निकल गई, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया। एंड उस टाइम पे बिगड़ना 2090s में जो बच्चे जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है ना बिफोर दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन, वो उनके लिए बिगड़ना वाज नॉट अ चॉइस, इट वाज अ लग्जरी। सही, आजकल की जनरेशन के लिए बिगड़ना इज अ चॉइस कि हाँ यार मैं गंदा काम करना है तो आज मन है तो कर लो, रिसोर्सेज हैं, कुछ नहीं करना, घर जाना, लैपटॉप खोलना, गूगल क्रोम खोलना, इनकॉग्निटो मोड खोलना, पहला अल्फाबेट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप वन अल्फाबेट एन डी एक्स, बाकी गूगल पूरा करता है। डिड यू मीन दूसरी ऑप्शन थी डीवीडी, वो मैं एक सीडी लेने चला गया दुकान पे, साइकिल चला के फटाफट मैं वहां पहुंचा, अरे कहता पापा को कहते साफ क्लियर कर दे। That was an awkward moment. And मैं finally गया साइबर कैफे ना, एक वो पर्दे लगा दिए थे उन्होंने, बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने पर्दे लगवाए, थॉट कितना प्यारा है ना, मतलब बच्चों को प्रेरित सी चाहिए अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं पर्दा लगा के अपना लगा, उस टाइम लैंड कनेक्शन होते थे, वाई फाई तो आई नहीं थे, लैंड कनेक्शन होते थे, पीछे DSL चलता होता था, वेबसाइट बाद में खुलती थी, पहले कोई लोग पर्दा खोल के बोल देता था चा क्या कर रहा है, तेरी बुआ दी फेरे करा रहा हूँ, ठीक कराते हैं। बिगड़ना बस एक्चुअली अ लक्जरी एट दैट टाइम, मतलब रिसोर्सेज नहीं है, किससे सीखे क्या सीखे, आजकल तो इंटरनेट से आधी से ज्यादा चीजें सीख लेते हैं, फालतू भी अच्छी भी बुरी भी, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, सीखे सुबह उतने सर्कल में रह जाते थे। तो मुझे ना जब बिगड़ने की बारी आई थी तो मुझे इमीडिएटली ना वो एक बिगड़ा हुआ लड़का चाहिए था जो मुझे बिगाड़े, एक ट्रेनर, एक कोच, एक मेंटर। जब मैं प्लस वन में गया मुझे वो लड़का ढूंढने नहीं जाना पड़ा, वो फेल हो गया उसी क्लास में था, उसका नाम था गोगा, गगनदीप सिंह गोगा। गोगा पहले तो मैं पर्सनैलिटी डिफाइन करता हूँ, 6'2" उसकी हाइट, आवाज उसकी भारी, जेनेरिकली गुड पंजाबी लुक्स, जब तीनों क्वालिटीज होती है ना तो बंदा दुनिया से पंगे ले लेता है। इतना कॉन्फिडेंस था गोगे, मुझे पहली बार फेल हुआ ना उसके घर पे किट्टी हुई और आंटियां से इकट्ठी होती थी, उसकी मम्मी मजे लिए, उन्होंने कहा अरे आंटी आपका बेटा तो बहन जी फेल हो गया, अब इसको लड़की किसने देनी है, फेलियर की तो शादी भी नहीं होती, आपका बेटा तो पुआरा मर जाएगा, इसको लड़की कौन देगा। गोगा फकिंग टुक इट एज अ चैलेंज, उसी आंटी की बेटी पटाई। इतना रैंडम आदमी था ना, गया तो कहा हम दोनों मार्केट में थे, केजरीवाल जितने रैंडम पंगे लेता जितने रैंडम बोल लेता इतने रैंडम पंगे ले लेता, गया एवरी दुकान में कहता भाई साहब क्या क्या रखा होगा, कहता बाबूजी मेरे पास तो सिर्फ लहसुन है, कहता सैड क्यों हो रहा है, एक चीज मेरे से लेके अपना सैड पूरा कर। जोक लेट भी समझ आएंगे ऐसा। जरूरी नहीं है मैं बोल के बताऊं, कुछ अंडरस्टैंड भी करना है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, अवेयर हो थोड़ा सा, बिगड़ो लाइफ में। हाँ जी
ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਗਾ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾੜਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਇਹ ਨਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਰਾ ਹੁਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਹਮ ਕੇ ਆਗੇ ਹਮ ਨੇ ਬਿਗਾੜਿਆ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਗੋਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਫਰੈਂਡ ਕਰ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਥਾ ਗੋਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਤਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਥਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਰਸ ਹੈ ਆਰਟਸ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਪਏ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਬਰਾਡ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਅਬਰਾਡ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇ ਲੋ ਖਾ ਲੋ ਉਸੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਦੀ ਤਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਕੇ ਗਲੇ ਮੇਂ ਮਰ ਸਰ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੱਕ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਨੌਸੀਅਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਕਾਹਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ 500 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ 500 ਕਾ 600 ਲੈ ਲਓ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮਤ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੰਦਰ ਕਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋ 6 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇਤਨਾ ਮਿਲਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 15 ਮਿੰਟ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਯੋਰ ਹੈਡੇਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੋਰ ਹੈਡੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਆਪਕੋ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਮੈਂ ਮਾਥੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਚੱਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀਸ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਿਵ ਸਰਦਰਦ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਕੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਊਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਾਸ ਜਾਊਂ ਨਾ ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਓਥ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੰਜੇ ਤੋਂ ਕੇ ਬੈਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੈਸੇ ਕੋ ਗੰਜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਾਤ ਚੜ ਗਏ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਯਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆ ਜਾਏ ਅੰਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਾਲ ਝੜ ਗਏ ਚੇਂਜ ਯਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਰੋ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਕੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੌੜਗੰਜ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਲੌੜਗੰਜ ਮੈਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ 1960 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ 2023 ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਕੇ ਮੰਕਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਗਲੌਰਗੰਜ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਮੰਕਸ ਆਰ ਫੇਮਸ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੀਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਲੌੜਗੰਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ ਵਹਾਂ ਦੇ ਮੰਕ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗਤਾ ਹੋ ਦੇਖਾ ਹੈ
मैंने उसे रोक के पूछा, मैं कहा भाई साहब क्या बात होगी, कहता ओल्ड मॉम बोल के भाग गया मैं। मैंने उसको थोड़ा काम डाउन किया, मैं ब्रो टेंशन ले रहा तू ओल्ड भी है मॉन्क भी है अगला काम। कहता हूँ यार ओल्ड मॉन्क ठीक है, बार बार बोल के भाग रहे 120 रुपए का क्वार्टर 120 रुपए इट हर्ट्स यार। उसको मैंने चाय वाय पिलाई, मैं तो थोड़ा कूल डाउन हो गया नहीं। कहता पाची यार ना तो इतना बुरा हाल कर रखे, जहाँ हमारी मोनेस्ट्री उसके आसपास 25 बार खोल दी है, सारी रात गाने चलते रहते वहां पे। मैं कहा पाची रात के 10 बजे तो देखो सर गाने बंद हो जाते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट का रूल है। कहता हाँ 10 बजे गाने बंद हो जाते, पंजाबियों के बंद नहीं करा सकते, ये गाड़ी की डिक्की खोल के नाचना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते की बात है सर, 10 बजे गाने बंद हुए, 10:15 बजे गाड़ी बिल्कुल आश्रम के गेट के बाहर रिवर्स में लगा दी, मोनेस्ट्री के गेट पे डिक्की खोल दी, शहरी मान चला गया लाख दिन बैग वाली है। तीन लड़के निकले, उनमें से एक कहना रही था, पता तुझे कैसे बताया ना रही था, कहता पैंट निकल के साथ गुड्डी पहनी हुई है। मैं कहा यार सैड क्यों हो रहा है, इतना भी बुरा नहीं होगा। कहता बुरा सर आगे सुनो, डिक्की खुली, तीन लड़के निकले, छत को बना दिया टेबल, ऊपर रख दिया चार ग्लास, मैं कहा चौथा ग्लास किसका है। कहता मेरा भी यही क्वेश्चन था कि लड़के तीन है ग्लास चार है चौथा ग्लास किसका है। इतने में पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने आके ने बोला मैंने बंद कर लो, इन्होंने पहले पुलिस वाले को बैग लगवा दिया, बोल के सबको बैग लगवा दे तो हमें ऑफर कर देते हैं तो पेनी यार। मैं तो हो नहीं वो नचा।
हाँ चकना थोड़ा ले ले हाँ अगर थोड़ा हार्ड लगे तो पानी डाल दे इट्स फाइन इट्स स्लो रूल ओके हाँ जस्ट टेक इट स्लो एक्सपीरियंस था सी भी मैंने लोगों से पूछा मैं कहा ब्रो ये कैसे पीते हैं लड़के यही सलाह देंगे खिंच खिंच और इतना गंदा टेस्ट है उसका ऐसा लगता है फ्रेश आउट ऑफ गटर सिर्फ उन्हीं को पचेगी जिन्होंने बचपन में चौक मिट्टी बटे कीड़े खाए हुए लड़कियों को नहीं बचती थंडरबोल्ट कभी कोई बेक ट्राई भी मत करना सीधा उल्टी आती है हाँ ये क्योंकि लड़कियों को देखा हुआ है इनका ना लिविंग लाइफ स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है ये फ्रूट भी धोके खाती है हम बड़े प्यारे लोग हैं हम सेब सूप भी धोके खाते हैं देश की मिट्टी अंदर मिट्टी से मिट्टी हो जाना चाहिए पहले तो 10 मिनट मचिया दिस हैप्पी न्यू ईयर मैरी क्रिसमस सब कुछ अभी से बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल एंड लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो थोड़ा ऊँडा भी जा रही ब्लॉग करते इतने एंड मिलते फिर ट्राई करो एक करी वधिया है कैंट शो सी की फर्क पैंदा है अगर कला यही आपके यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड करके पावे जिन्ना इन्होंने मिले इस तो ज़्यादा उदो यूट्यूब एनमेन लगता तो वह तो पाता होना मेरे हिसाब ना भला तो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया अगर किया हो तो दस दें कि असं रिकॉर्ड कर रहे हैं ओके की फर्क पैंदा आही सी ना चलो फर्क तो बहुत पैंदा भाई मजा आंदा लाइव दा वखरा स्वाद है।